नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टेमिसिया वल्गरिस के बारे में, जो कि एक वानस्पतिक औषधि है या एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसे कॉमनली हम लोग मगवर्ट कहते हैं। आर्टेमिसिया वल्गरिस, उसी से दवा तैयार होता है, मगवर्ट प्लांट से। और दोस्तों यह दवा जो है मुख्य रूप से महिलाओं के लिए एक बेहद ही खास दवा है, जहाँ पर यह दवा उनके यूटराइन कंट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। यह दवा मुख्य तौर पर मासिक क्रिया को नियमित करने के लिए जाना जाता है। यह दवा इपिलेक्टिक कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करता है, जहां पर दोस्तों मिर्गी के जो लक्षण आते हैं रोगी में, उसमें यह बहुत ही उपयोगी दवा है। यह दवा वैसी बच्चियों के लिए बहुत ही खास है, जिनमें दोस्तों पुबर्टी के एज में उनका मेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, पेट में दर्द रहता है, वहाँ पर यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। जो कि कन्वल्सिव सीजर्स जो आते हैं, उसमें भी ये दवा बहुत ही अच्छा लाभ करता है। आइए दोस्तों जानते हैं विस्तार से इस दवा को। सबसे पहले हम जानेंगे इसके हेड सिम्टम्स को। आर्टेमिसिया वल्गरिस, जिसे हम लोग मगवर्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं, यह पुराने समय से दोस्तों हर्ब्स के रूप में यूज किया जाता रहा है। और यह दवा मुख्य तौर पर हमारे स्पैस्मोडिक ट्वीचिंग्स के में, जो अचानक ट्वीचिंग आ जाते हैं, जर्क आ जाते हैं हमारे बॉडी में, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। आप देखेंगे कि आपके मुंह में देखेंगे कि आपका मुंह जो है, अगर बाएं साइड चला जाए, जो पक्षाघात से लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर यह दवा बहुत अच्छा काम करता है आर्टेमिसिया वल्गरिस। और कंजेशन ऑफ ब्रेन में भी ये बहुत अच्छा लाभ करता है, जहाँ पर आप कई बार हाइड्रोसेफेलस का जो लक्षण होता है, जो हमारे मस्तिष्क में पानी भर जाता है, बड़ा हो जाता है, वहाँ पर जो हाइड्रोसेफेलस होते हैं, उसमें भी आर्टेमिसिया बहुत अच्छा काम करता है। आइज के केसेस में आपके आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, आपको साफ से चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं, आपके आँख में दर्द बना रहता है। और दोस्तों मुख्य रूप से यह दवा आँखों को रगड़ने के बाद जब आपको आराम होता है, या फिर आपको क्लियर दिखने लगता है, वहाँ पर आर्टेमिसिया वल्गरिस बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों फीमेल के केसेस में यह एक बहुत ही लाभकारी दवा हो जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्तस्राव जो होते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि महिलाओं का जो मासिक स्राव होता है, उस वक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोफ्यूज मेंस जो होते हैं, उसमें आर्टेमिसिया वल्गरिस बहुत अच्छा काम करता है। और यह दवा यूट्राइन कंट्रैक्शन के लिए भी जाना जाता है, ये वायलेंट यूट्राइन कंट्रैक्शन पैदा करता है। आपके यूट्रस में दोस्तों जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो इस दवा का सेवन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ एबॉर्शन भी हो सकता है या स्पाज्म पैदा कर सकता है उनके यूट्रस में, गर्भाशय में, और इस तरह से यह दोस्तों डिसमेनोरिया जैसे लक्षण में भी उपयोगी हो जाता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि मासिक के वक्त जो उनके यूट्रस में स्पाज्म आते हैं, जो उनके पेट में दर्द होने लगता है, जिसे हम लोग डिसमेनोरिया कहते हैं, जो मासिक कष्ट होते हैं मासिक के पूर्व, वो डिसमेनोरिया में भी आर्टेमिसिया वल्गरिस बहुत अच्छा लाभ करता है। फीवर के केसेस में इसका एक बहुत ही यूनिक लक्षण है कि लहसुन जैसा उनका शरीर दुर्गंध करता है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है पेशेंट को, वहाँ पर यह दवा बहुत अच्छा लाभ करता है। दोस्तों इस दवा का अगर आप रिलेशनशिप देखेंगे, तो यह एब्सेंथियम की तरह, यह सीना की तरह काम करता है, कुकीटा विरोसा की तरह यह काम करता है। और आइए जानते हैं इसके डोज के बारे में। आप आर्टेमिसिया वल्गरिस मदर टिंचर का दोस्तों इपिलेक्टिक कंडीशंस में और महिलाओं के मासिक स्राव के लक्षणों में, ये मदर टिंचर आप अगर लेंगे, तो 15-15 बूंद 3 बार 4 चम्मच पानी में मिला के खाना खाने के आधा घंटा के बाद आप लेंगे, तो इससे बहुत लाभ होगा। कुछ दिनों तक अगर नियमित सेवन करते हैं, तो आपको लाभ दिखने लगता है। आर्टेमिसिया 30 को आप 5-5 बूंद 3 बार ले सकते हैं। आर्टेमिसिया 200 को आप 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम रोज ले सकते हैं, जब तक कि आपके लक्षणों में आराम ना हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।